और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कोरोना जैसी आपदा में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहने पर सांसदों की तारीफ की है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना से लड़ने और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाने में सांसदों ने जो काम किया है उन अनुभवों को वो पूरे देश के साथ साझा करना चाहते हैं। ओम बिरला ने सांसदों के इन अनुभवों को आपदा के दौरान मददगार बताते हुए सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में किए गए सभी विकास के कामों की जानकारी भेजने को कहा है। और इसके अलावा ओम बिरला ने सभी सांसदों को भरोसा दिया कि वो खुद और लोकसभा कार्यालय उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी पर बात करने के लिए अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, वाकई में ऐसे दौर में जब आदमी को सबसे जरूरत अगर किसी की थी तो वो था मानवता का भाव, और अगर ओम बिरला साहब ऐसा कह रहे हैं तो वाकई में इसकी जितनी भी प्रशंसा हो और ऐसी कहानियां जितनी ज्यादा सामने आए उतना अच्छा। देखिए, इस कोरोना के दौर में जब संसद भवन बंद है, ओम बिरला हर रोज दिल्ली में होते हैं तो संसद में अपने कार्यालय में जाकर बैठ रहे हैं, और सबसे बड़ी अहम बात है ये सांसदों को जो चिट्ठी लिखी और सांसदों के जवाब के बाद अगर उनके जो भी अनूठे एक्सपेरिमेंट रहे होंगे उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में इस कोरोना से लड़ने के लिए, उसको ये एक पुस्तिका के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ, देश के साथ साझा करेंगे, और जो अनूठे अनुभव होंगे उनको आगे आने वाले दिनों में बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में देश की जनता के सामने लाएंगे। और इन सांसदों को अगर सत्र चलेगा तो उन्हें बोलने का भी मौका दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी पहल है उनकी तरफ से अपने सांसदों के राय उनके काम को जानने की। तो यानी कि उसमें ऐसे भी कई सांसद होंगे जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त अपने सांसद जैसे पद पर रहते हुए भी एक मानवता का पाठ लोगों को पढ़ाया होगा, जिनके नाम सामने आना बेहद जरूरी है। अमिताभ, बिल्कुल बिल्कुल, कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने चुपचाप अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, अपने क्षेत्र को सहायता पहुंचाई है कोरोना से लड़ने के लिए, कई प्रयोग भी किए हैं कि कैसे कोरोना को दूर भगाया जाए, कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए तमाम सांसदों को चिट्ठी लिखना और उन तमाम सांसदों से ये जानना ये कि उनके अनुभव क्या रहे हैं, ये बड़ी पहल है, और इस पहल को अगर देश के सामने लाया जाए तो मेरे ख्याल से ये सांसदों के लिए भी काफी खुशी की बात होगी, हर्ष की बात होगी कि उनकी जंग को बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में अपनाया जा सकता है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि सांसदों में किसी पार्टी से परे हो जाएगा, यानी कि उसमें जितने बीजेपी के सांसद होंगे उतने ही कांग्रेस या फिर दूसरी विरोधी पार्टियों के सांसदों को भी जगह होगी।